आस्ताना आलिया मोहम्मदिया सफिया कुवैत में जश्न ईद मिलादुन्नबी का पुरनूर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। नन्हे सनाख्वा अहमद कमर निज़ामी ने नाते रसूल मकबूल पेश करके महफिल मिलाद को नूर बख्शा। देखिए इस रिपोर्ट। क़ारी खलील अहमद रिज़वी ने खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अंधेरा उजाले में बदल गया। उनकी आमद पर फरिश्तों ने खुशियाँ मनाई और दाई हलीमा की उठनी झूम झूम कर आपको लेकर चलती रही और फख्र कर रही थी कि आज दोनों जहाँ का मालिक मेरी सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर आए और इंसानियत का दर्स दिया। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में ना हो, ईमान कामिल नहीं हो सकता। इस मौके पर मुमताज़ आलम दीन साहबज़ादा खलील अहमद रिज़वी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कबल दुनिया में जहालत छाई हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह ताला ने दुनिया में नूर इनायत फरमाया ताकि मेरे महबूब के रास्ते में कहीं जहालत का अंधेरा ना हो। मारूफ सनाखानों ने हदिया नात पेश करके महफिल को नूरानी बना दिया। आकाए दो जहां के हुजूर हदिया नात पेश करने वालों ने फजा मुअत्तर कर दी। सुनने वालों पर वज्द तारी हो गया। इस तकरीब में शाहिद नज़ीर घुमन मेहमान खुसूसी थे। बज़्म कदाए मुस्तफ़ा कोहित के ज़ेर एहतमाम लंगर भी तकसीम किया गया।